अध्यक्ष का बयान आया है। गठबंधन का निर्माण केंद्रीय नेतृत्व करता है। 2024 के चुनाव को लेकर नायब सैनी ने कहा, हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। केंद्र और राज्य सरकार बेहतरीन काम कर रही है। हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले ऐलान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई है। हुड्डा जनता को भ्रमित कर रही है। नायब सिंह सैनी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उनका अभिनंदन पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। पंचकुला में नायब सिंह सैनी पहुंचे तो एक बार फिर से ये दावा किया गया कि हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। केंद्र में भी बीजेपी हैट्रिक बनाएगी। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने वाली है, तीसरी बार फिर जीत हासिल करेगी। गठबंधन को लेकर कहा गया कि ये राज्य इकाई का नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला रहता है कि गठबंधन किसके साथ किया जाए और कब तक रहे। चुनाव के बाद का ये गठबंधन है, सरकार चल रही, अच्छे से सरकार चल रही है। गठबंधन का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी आदेश करेगा, हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है जो भी वो निर्णय करे। और 10 की 10 सीटें आज हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल खिला करके भेज, डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाए। इंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कहने में कोई जोर लगता है? ये रेवड़ी है, रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो हमारा विधानसभा का है उसके अंदर 8 मंत्री बन सकते हैं, 4 वो कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दे। तो नायब सिंह सैनी की ओर से ये दावा एक बार फिर से किया गया कि देखिए, शुरुआत से जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तब से बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने वाले हैं, सभी 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। और विरोधी उनके निशाने पर के हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले ऐलान और बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई है, निशाना साधा गया है।